जब किसी चीज़ को लेकर गलती हो जाए और गलती को मान ली जाए तो वो गलती नहीं कहलाती। हम बात कर रहे हैं फिल्म मेहंदी लगा के रखना की। जी हाँ, मेहंदी लगा के रखना 3 में फिर से वापसी हो रही है खेसारी लाल यादव और उनके साथ नजर आएंगी नई अभिनेत्री शहर अफसा। आपको बता दें कि इन दोनों की ये फ्रेश जोड़ी है और शहर खेसारी लाल यादव के साथ काम करने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। इससे पहले कभी भी शहर भोजपुरी फिल्मों में नज़र नहीं आई है, ये उनकी पहली भोजपुरी फिल्म है। तो ये रही फिल्म की हीरोइन के बारे में बात, अब बात हो जाती है खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव फिल्म मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 में थे और जिस साल यह फिल्म रिलीज हुई थी उस साल यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। आपको बता दें कि यह फिल्म उस साल की सभी हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़कर सुपरहिट हुई थी और खेसारी लाल यादव के करियर की सबसे अच्छी फिल्म बताई जाती है मेहंदी लगा के रखना। अब आपको बता देते हैं कि जो हमने शुरू में बात की कि जो गलती हो जाए और उसे मान लिया जाए तो उसे गलती नहीं कहा जाता, हमने क्यों कहा था? हमने इसलिए कहा था कि मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 में खेसारी लाल यादव थे लेकिन मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 में खेसारी लाल यादव को नहीं लिया गया। इसके पीछे रीजन बताया गया डेट इशू, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं। आपको बता दें कि फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू को लिया गया और यश मिश्रा को और ऊपर से अंजना सिंह का एक आइटम नंबर भी रखा गया, लेकिन फिल्म नहीं चली और पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे डब्बा साबित हुई। जैसे ही फिल्म प्रोडक्शन को अपने गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इस फिल्म की कमान रजनीश मिश्रा के हाथों थी दी और अब इस फिल्म में फिर से अपनी हिट फिल्मों में नजर आएंगे खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के लिए यह फिल्म किसी चैलेंज से कम नहीं होगी क्योंकि पार्ट 2 फ्लॉप रही है। अगर पार्ट 3 पार्ट 1 से भी बेहतर रही और अच्छा बिजनेस किया तो ये बेंच ऑफ मार्क होगा खेसारी लाल यादव के लिए। वैसे खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के फैंस के लिए एक दुख की खबर ये रहेगी कि खेसारी लाल यादव के साथ इस फिल्म में काजल राघवानी नजर नहीं आएंगी, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि कोई फ्रेश चेहरा तो नजर आ रहा है। यकीन है कि शहर और खेसारी की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आएगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।